Hello students, so we would be moving ahead and we would be discussing lipids again, but today we would talk about derived lipids. In the previous lecture we did talk about the conjugate lipids, okay, aur aaj baat karenge derived lipids ke bare mein, theek hai. Derived lipids, theek hai. Now derived lipids ki baat kare to interestingly they are not actually lipids, okay, because they are not formed by esters of fatty acid and alcohol. They are not formed by the esters of fatty acid and alcohol. ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो दे डू नॉट हैव फैटी एसिड इन द स्ट्रक्चर. दे डू नॉट हैव फैटी एसिड्स इन द स्ट्रक्चर, ठीक है, बट दे बिहेव लाइक, ओके, दे बिहेव लाइक द लिपिड और दे बिहेव लाइक द फैट. समझ में आया? तो ड्राइव लिपिड्स आर नॉट एक्चुअली लिपिड्स, okay, because they are not formed by esters of fatty acids and alcohol. They are not formed by the esters of fatty acid and alcohol, okay, and they do not have fatty acid bhi unke paas nahi hai, theek hai. theek hai, so but they have नेचर लाइक लिपिड, ओके, और या फिर आप बोल सकते हो दे आर लिपिड लाइक सब्सटेंसेस. दे आर नॉट लिपिड्स बट दे आर लिपिड लाइक सब्सटेंसेस बिकॉज दे आर नॉट फॉर्म्ड बाय द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल. They do not have fatty acid. ये बात दिमाग में रखना है. So these are derived lipids. These are not fats or lipids, but they behave as they are lipid-like substances. They have nature-like lipid. ठीक है? They have nature-like lipids. So I'll talk about one of them, that is terpenes. Okay, terpene की अगर बात करें तो terpene consists of isoprene ring. It consists of isoprene ring, that is C5H8. Okay, C5H8, that is the isoprene ring. तो मैं terpenes के बारे में बात करूंगा. जैसे turpentine oil है, that is a terpene. Vitamin E है, that is a terpene. So we'll talk about terpenes. So some terpenes are जैसे कि विटामिन ई है, ओके, विटामिन ई इज एन एंटीऑक्सीडेंट. इट इज अ एंटीऑक्सीडेंट. एक और चीज जो है दैट इज लाइकोपिन. लाइकोपिन का प्रेजेंस है जो पके हुए टमाटो होते हैं, ओके, दैट इज द रिप टमाटो. प्रेजेंट इन रिप टमाटो. और ये दोनों मैंने इसलिए साथ में लिखे हुए बिकॉज दे आर, ये दोनों जो चीजें हैं ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं. They work as antioxidant. Vitamin E and lycopene, which is present in ripe tomatoes, they work as antioxidant. क्योंकि अपनी बॉडी में काफी सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं और उन बायोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है, फ्री ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन रेडिकल रिलीज होता है. तो ये जो फ्री ऑक्सीजन है या फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन रेडिकल है, ये क्या कर सकता है, ये दूसरे बायोकेमिकल रिएक्शन में इंटरैक्ट करके प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, दूसरे रिएक्शन में डिस्टर्बेंस कॉज कर सकता है. सो उसको विटामिन ई एंड लाइकोपिन क्या कर लेंगे, बाइंड कर लेंगे.
उसके साथ रिएक्ट कर लेंगे। तो इसलिए विटामिन ई एंड लाइकोपीन दे आर टर्म्ड एज एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, दे रिएक्ट विथ फ्री रेडिकल ऑक्सीजन दे रिएक्ट विथ फ्री रेडिकल ऑक्सीजन विटामिन ई एंड लाइकोपीन, इसलिए वी हैव टर्म्ड इट एज एंटीऑक्सीडेंट कहा गया। ठीक है, सो लाइकोपीन जो मैंने यहां पे लिखा है दैट इज फाउंड इन रिप टमाटोज, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी किस चीज में देखने को मिलेगा, सो दिस इज फाउंड इन टर्पीन्स, दे आर फाउंड इन नेचुरल रबर्स, एंड टर्पेंटाइन ऑयल या फिर पाम ऑयल। ठीक है, सो यहां पे टर्पीन्स प्रेजेंट है, टर्पीन्स इज फाउंड इन द नेचुरल रबर, टर्पेंटाइन ऑयल है, विटामिन ई है, लाइकोपीन है। आपको याद रखना है विटामिन ई एंड लाइकोपीन्स आर एंटीऑक्सीडेंट्स, दे रिएक्ट विद फ्री रेडिकल ऑक्सीजन विच इज फाउंड इन द बॉडी। ठीक है, क्लियर है। अब टर्पीन्स की अगर मैं जनरल में बात करूं तो टर्पीन्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स, टू बी मोर स्पेसिफिक कॉनिफर्स में टर्पीन्स लाइक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो क्या करता है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स को उनके प्रेडेटर्स से दूर रखता है, क्योंकि दे हैव दिस फाउल स्मेल। मैं रब करता हूं, मैं टर्पीन्स के बारे में फिर से लिखता हूं, टर्पीन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस टर्पीन्स की अगर बात करते हैं तो टर्पीन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय राइट इट स्पेसिफिकली कॉनिफर्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, तो ये जो केमिकल्स है ये क्या करते हैं इन कॉनिफर्स एंड इंसेक्ट्स को prevent them from predators. ठीक है, prevent them from predators. So that is terpenes. ठीक है, so terpenes are chemical substances produced by plants, specifically conifers produce करते हैं and insects में भी produce होता है, और ये chemical substance क्या करेगा इन organisms को, conifers को, insects को क्या करेगा, बचा के रखेगा from the predators. ठीक है, so now moving ahead. We'll talk about sterols. Okay, sterols की अगर बात करते हैं तो उसका एक एग्जाम्पल है कोलेस्टेरॉल। We'll talk about sterols. ठीक है, sterols की अगर बात करें तो sterols का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। So it consists of a sterane nucleus. And साइड चेन। ठीक है, तो जो मैंने ब्लैक में दिखाया है, दैट इज नोन एज स्टेरेन न्यूक्लियस, इसे कहा जाता है स्टेरेन न्यूक्लियस। ओके, और ये जो मैंने ग्रीन में दिखा रखा है दिस इज नोन एज दी साइड चेन, ठीक है। तो इसके पास कितने कार्बन होते हैं स्टेरेन न्यूक्लियस के पास, तो काउंट कर लेते हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17. तो स्टेरेन न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 17 कार्बन्स, और जो साइड चेन होती है इट कंसिस्ट ऑफ 8 to 10 carbons. ठीक है, सो स्टेरॉल्स में ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, आपको स्टेरेन न्यूक्लियस देखने को मिलेगा जिसके पास 17 कार्बन होगी, और जो साइड चेन होगी उसके पास
8 से 10 कार्बन हो गए, ठीक है। सो मैं बात करता हूं एस्टेरॉल के बारे में, दैट इज कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल की बात कर लेते हैं। सो कोलेस्टेरॉल का अगर फॉर्मूला अपन देखें, सो दैट इज C27H45OH, ठीक है, C27H45OH, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कोलेस्टेरॉल, ठीक है। सो विल टॉक अबाउट द फंक्शन ऑल्सो। तो देख लो, स्टेरॉल में ये जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नोन एज स्टेरॉन न्यूक्लियस, जिसके पास 17 कार्बन होते हैं, और जो साइड चेन इसके साथ अटैच होती है उसके पास 8 से 10 कार्बन होते हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एग्जाम्पल ऑफ स्टेरॉल, दैट इज कोलेस्टेरॉल हैविंग अ फॉर्मूला C27H45OH, ठीक है। सो कोलेस्टेरॉल जो है इट इज ऑल्सो नोन एज ज़ूस्टेरॉल, इट इज ऑल्सो नोन एज ज़ूस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल जो है, फॉर्मूला क्या लिखा अपन ने, तो द फॉर्मूला इज C27H45OH, ओके, दैट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कोलेस्टेरॉल एज इट इज ओनली फाउंड इन एनिमल्स। Cholesterol is only found in animals. As it is only found in animals, it is also known as zoosterol. क्या कहा जाता है? Zoosterol, ये काफी important term में दे रहा हूं आपको. It is also known as zoosterol because it is only found in the animals. Okay? Animals में कहां देखने को मिलता है? So found in the cell membrane. Found in the cell membrane of animals, ठीक है, काम क्या करता है? It helps to stabilize lipids present in membrane. It helps to stabilize the lipids which are present in the membrane. ठीक है, समझ में आ रही बात? So it is only found in the animals, इसलिए अपने नाम दिया zoosterol, found in cell membrane of animals. Okay, helps to stabilize the lipid present in the cell membrane. ठीक है, ये एक point हो गया. Okay, it is the precursor of स्टीरॉयड हॉर्मोन्स, वेरियस स्टीरॉयड हॉर्मोन्स में नाम लिखता हूं. इट इज द प्रीकर्सर ऑफ ऑल या फिर वेरियस स्टीरॉयड हॉर्मोन्स, जैसे कि वी हैव प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, वी हैव aldosterone, we have estrogen, ठीक है, and we have estrogen हो गया, aldosterone हो गया, progesterone हो गया, okay, and the one मैं यहां पे लिख देता हूं एक testosterone, ठीक है। तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि progesterone है, aldosterone है, estrogen है, testosterone है, ये सब क्या है? ये सब आपके स्टीरॉइड बेस्ड हॉर्मोन्स, ओके, दे आर ऑल योर स्टीरॉइड हॉर्मोन्स, ठीक है, सिंपल एंड इजी। कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो द प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए, इट इज ऑल्सो द, मैं रब कर देता हूं, पॉज करके आप लिख लो, ओके, इट इज ऑल्सो द प्रीकर्सर ऑफ विटामिन डी। प्रीकर्सर का मतलब क्या है? विटामिन डी को बनाने में हेल्प करता है या विटामिन डी उससे ड्राइव हुआ, ठीक है। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ
बाइल सॉल्ट्स, है ना। आपने 10th स्टैंड पढ़ा था बाइल सॉल्ट्स के बारे में कि बाइल सॉल्ट्स क्या होते। सो एक बाइल सॉल्ट का मैं नाम लिखता हूं, दैट इज फॉस्फोग्लाइकोकोलेट, ठीक है, और मैं लिखता हूं सोडियम ग्लाइकोकोलेट, ठीक है। तो सोडियम ग्लाइकोकोलेट इज अ बाइल सॉल्ट। दूसरा मैं लिखता हूं सोडियम टोरोकोलेट, क्या है, सोडियम टोरोकोलेट। और आपको बाइल सॉल्ट्स के बारे में, बाइल सॉल्ट्स करते क्या है। सो बाइल सॉल्ट्स का मेन काम है दैट इज एमल्सिफिकेशन, क्या करना, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दैट इज ब्रेकिंग डाउन द फैट, ब्रेकिंग द बिग ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, दैट इज द वर्क ऑफ बाइल सॉल्ट। तो बाइल सॉल्ट्स के दो नाम मैंने लिख दिए, दैट इज सोडियम ग्लाइकोकोलेट और दूसरा नाम मैंने लिखा है दैट इज सोडियम टोरोकोलेट, ठीक है। दिस आर ऑल बाइल सॉल्ट जिनका मेन फंक्शन क्या होता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। दूसरी एक बात मैंने लिखी क्या, कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, प्रीकर्सर ऑफ विटामिन डी, ठीक है। और क्या काम करता है, ठीक है। नाउ जैसा बोला जाता है कोलेस्ट्रॉल हेल्पफुल तो है, बट हाई अमाउंट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज हार्मफुल। अगर ज्यादा अमाउंट कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में आ जाता है तो इट इज हार्मफुल, ठीक है, समझ में आ रही बात। नाउ किस तरीके से हार्मफुल है, तो अगर ज्यादा अमाउंट आ जाता है तो ये क्या करेगा, ये आपके ब्लड वेसल्स में जमा हो जाएगा, इट स्टार्ट डिपॉजिटिंग इन दी ब्लड वेसल्स। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज दी आर्टरी, अगर ये आर्टरी है, ओके, तो कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, इस तरीके से आर्टरी में बिल्डअप हो जाएगा। इफ यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, यू ईटिंग अ लॉट ऑफ ऑयली फूड, ओके, जंक फूड काफी आप खा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, आपके आर्टरीज के अंदर जम जाएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज हार्मफुल, व्हाई, बिकॉज डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल टेक्स प्लेस इन आर्टरीज, ओके, डिपोजिशन of cholesterol takes place in the arteries and forms plaques, क्या बनते हैं, plaques बनते हैं। तो ये जो मैंने दिखा रखा है ये plaques है, दिशा plaques, okay, तो ये किससे बने, deposition of cholesterol की वजह से बने, समझ में आ रही बात। तो जब see normal amount of everything is good, ऐसा कहा जाता है ना, excessive of anything is poisonous to the body, तो उसी तरीके से जब कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल अमाउंट में है तो काफी सारे अच्छे अच्छे काम कर रहा है, बट जब कोलेस्ट्रॉल का प्रोपोर्शन बिकम्स मोर देन एक्सेसिव, काफी ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, तो वो एक काम करेगा, आर्टरीज में जमा होने लग जाएंगे, स्टार्च डिपॉजिटिंग इन द आर्टरीज फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर नोन एज प्लेक्स। तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम कहां पे आएगी, कौन सी चीज पे इंपैक्ट आएगा, तो आपके ब्लड फ्लो पे इंपैक्ट आएगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन सप्लाई वो भी कम हो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई पे भी इंपैक्ट डालेगा, ठीक है। सो जो डिसीज यहां पे क्रिएट होती है दैट इज नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस, क्या है नाम डिसीज का, so the name of the disease is atherosclerosis, जिसमें क्या होगा, deposition of cholesterol, excessive amount of cholesterol takes place in arteries and forms plaque. normal amount में है तो कुछ नहीं है, but अगर आप ज्यादा cholesterol, ज्यादा oily चीजें, ज्यादा junk food consume कर रहे हो, तो उस केस में deposition of cholesterol takes place in the arteries and forms plaques,
जिसकी वजह से आपके ब्लड फ्लो पे इंपैक्ट आएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, आपको ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी तो आपकी बॉडी में एटीपी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, लेथार्जिक फील करोगे क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी क्योंकि ऑक्सीजन ठीक से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहे, ठीक है, सही है। अपार्ट फ्रॉम एथेरोस्क्लेरोसिस, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कोलेस्टेरॉल का एक्सेसिव अमाउंट एक और चीज कॉज करता है, दैट इज गॉल ब्लेड स्टोन्स, जिसे गॉल स्टोन्स कहा जाता है, इट ऑल्सो कॉसेस गॉल स्टोन्स, ठीक है, मतलब पथरी भी आपको हो सकती है अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का प्रपोर्शन हद से ज्यादा है, ठीक है। सो आपने प्लस पॉइंट देख लिए कोलेस्ट्रॉल के और आपने नेगेटिव पॉइंट्स भी देख लिए। सो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन इन द आर्टरीज एंड फॉर्म्स प्लेक, इसे प्लेक कहा जाएगा, ठीक है, ब्लड फ्लो हैंडल हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी और एटीपी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से विल बी फीलिंग लेथार्जिक, ठीक है। चले आगे, सो अब आई टॉक अबाउट फाइटोस्टेरॉल, ये मैंने कोलेस्टेरॉल की बात करी, ये एनिमल्स में प्रेजेंट था तो मैं फाइटोस्टेरॉल, फाइटो PHYTO, दिस टर्म इज एसोसिएटेड विद प्लांट्स, तो यार ये कहां देखने को मिलेगा, सो दिस इज अ प्लांट कोलेस्टेरॉल, और आप बोल सकते हो दिस इज अ प्लांट स्टेरॉल, ओके, सो वी हैव Another is phytosterol. Okay, phytosterol में आपको phyto तो पता ही है, that is related to plant. तो ये क्या है? This is plant sterol. Phytosterol is plant sterol. ठीक है? Example अगर देखें, so यहाँ पे आएगा campisterol. Okay, we have campisterol है, stigma sterol है, यहाँ पे लिख देते हैं example में. We have stigmasterol, we have campesterol, okay, and we have one more, that is cytosterol, ठीक है, ये तीन टाइप के प्लांट स्टेरॉल्स है, ठीक है, stigmasterol, campesterol and cytosterol, ठीक है, they are only produced by, आपको याद रखना है, only produced by eukaryotic cells, कौन produce कर रहा है, eukaryotic cells ही इसे produce कर रहे हैं, okay, and they only found in the plant system, and लिख दिया it's a plant sterol, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये जो फाइटोस्टेरॉल्स है ना, अगर इनको डाइट में इंक्लूड किया जाए तो ये काफी अच्छा काम करते, दे हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज, प्रिवेंट्स फ्रॉम कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज से बचाते हैं, एंड दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन कैंसर, ये क्या करते हैं, एपोप्टोसिस ऑफ कैंसर सेल आपको देखने को मिलेगा, ओके, इफ आप फाइटोस्टेरॉल्स को अपने डाइट में इंक्लूड करोगे, ठीक है। सो प्लांट स्टेरॉल है, स्टिग्मास्टेरॉल एग्जांपल है, कैंपेस्टेरॉल एग्जांपल है, सिटोस्टेरॉल एग्जांपल है, सो दे आर ओनली प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स बट दे शुड बी यूकेरियोटिक सेल, ठीक है, यूकेरियोटिक सेल्स होने चाहिए, प्रिवेंट्स फ्रॉम कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ओके, और एपोप्टोसिस ऑफ कैंसर करता है, और यहां पे जो मैंने कोरोनरी आर्टरी डिसीज लिखा है उससे मैं एक पॉइंट डाल देता हूं, इट डिक्रीजेस amount of excessive cholesterol in body,
ठीक है, इट डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ एक्सेसिव कोलेस्टेरॉल इन द बॉडी, जिसके वजह से कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने के चांसेस काफी काफी कम हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज फाइटोस्टेरॉल। अब देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिंस, अब देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिंस को। अच्छा, यहां पे एक और बात मैं बोल देता हूं, फाइटोस्टेरॉल जो है प्रेजेंस मैंने बताया नहीं, प्रेजेंस की अगर बात करें सो दे आर found in the cell membrane of plants, जो plants होते हैं ना उनकी cell membrane में cholesterol नहीं होता, उनकी cell membrane में phytosterol होता है, और यह भी वही काम करता है जो cholesterol animal cell membrane में करता है, that is found in cell membrane of plants and helps to stabilize lipids in the helps to stabilize the lipids in the membrane structure, ठीक है। दोनों का function same है, but one is found in the plants only, another is found in the animals. Okay, plants में that is phytosterol और animals में that is cholesterol. Okay, so now I'll talk about prostaglandins. Prostaglandins. ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिंस की अगर बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिंस आर डिराइव्ड फ्रॉम अ 20 कार्बन कंपाउंड दैट इज आर्किडोनिक एसिड, दैट इज आर्किडोनिक एसिड। तो मैं लिख देता हूं प्रोस्टाग्लैंडिंस आर डिराइव्ड फ्रॉम आर्किडोनिक एसिड, derived from archidonic acid, ठीक है, that derived from archidonic acid prostaglandins. Okay, they are secreted by the seminal vesicle, they are secreted by the seminal vesicle secreted by the seminal vesicle and they are also present in the vaginal fluid. कहां पे present है? Vaginal fluid में. काम क्या करते हैं? तो काम ये करते हैं कि they help during the muscle contraction. Okay? और फिर आपके साथ contraction of smooth muscle during the time of perturbation. They help in contraction of smooth muscle during perturbation. Perturbation is childbirth, आपको पता है, ठीक है। So prostaglandins की अगर बात करते हैं, so they are derived from archidonic acid, they are secreted by seminal vesicles, present in vaginal fluid, and helps in contraction of smooth muscle during perturbation. ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो विल मूव अहेड, ठीक है। ओके, सो नाउ आई टॉक अबाउट डायोजेनिन की अगर मैं बात करूं तो इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम
द ट्यूबर्स ऑफ डायोस्कोरिया प्लांट है, ओके, डायोस्कोरिया दैट इज द यम प्लांट, मैं नीचे लिख देता हूं, डायोस्कोरिया दैट इज यम प्लांट, ठीक है। तो डायोसजेनिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्यूबर्स ऑफ डायोस्कोरिया, किस काम में आता है, तो पहले देख लेते हैं, इट हैज द सेम नेचर एज प्रोजेस्टेरॉन, सेम नेचर एज प्रोजेस्टेरॉन, इसीलिए इट वॉज फर्स्ट यूज्ड in the development of, it was first used in development of birth control pills, in the year 1960s, जब first birth control pill का development हो रहा था तो उसके अंदर diosgenin को use किया गया था, आपको याद रखना है, okay, कहां से extract कर रहे हैं, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी ट्यूबर्स ऑफ डायोस्कोरिया, ठीक है, सेम नेचर एज प्रोजेस्टेरॉन, फर्स्ट यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स इन द ईयर 1960, ठीक है। इट इज ऑल्सो हेल्प्स इन increasing energy level, ठीक है, and also helps to increase sexual drive, it helps in increasing the energy level बढ़ाने में भी काम में आता है, as well as it is also useful to in the increase, helps to increase the sexual drive of an individual, okay, so that is diosgenin, which is a plant based derived lipid, okay, plants are in tubers of diosporia kya, it's a yam plant, to kya ho gaya, it's a derived lipid from the plant, okay, so same nature as progesterone, isliye it was used for the development of the birth control pills in the year 1960, ठीक है। दूसरा अगर आप काम देखो तो इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एनर्जी लेवल एंड इट आल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज द सेक्सुअल ड्राइव ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, लिख लो आप डिटेल्स, एक और इसका इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हो, इट इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट में भी काम में आता है, ऑस्टियोपोरोसिस इज व्हेन योर बोन्स गेट पोरस, व्हेन यू गेट ओल्ड तो आपकी बोन्स का जो कैल्शियम कंटेंट कम हो जाने की वजह से वो पोरस हो जाती है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी डायोसजेनिन को यूज किया जाता है, ठीक है, चले आगे। सो नाउ विल टॉक अबाउट डिजीटॉक्सिन, किसके बारे में बात करेंगे, डिजीटॉक्सिन के बारे में बात करते हैं, सो व्हाट इज डिजीटॉक्सिन, ठीक है, डिजीटॉक्सिन्स की अगर बात करें तो इट्स अ क्रिस्टलीन प्योर कार्डियक ग्लाइकोसाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम
इट इज अ क्रिस्टलीन प्योर ग्लाइकोसाइड, आई एम सॉरी, कार्डियक ग्लाइकोसाइड ग्लाइकोसाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉक्स ग्लो प्लांट. क्या नाम है? फॉक्स ग्लो प्लांट, जिसको साइंटिफिकली कहा जाता है डिजिटालिस परप्यूरी, which is scientifically termed as Digitalis purpuri. ठीक है, मैं यहां पे तो डिजिटॉक्सिन क्या है? इट्स अ क्रिस्टलीन प्योर कार्डियक ग्लाइकोसाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉक्स ग्लो प्लांट. ठीक है, अब यहां पे ये काम क्या करता है, क्यों इसको मैंने लिखा है कार्डियक ग्लाइकोसाइड? इट वर्क्स एज अ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डिजिटॉक्सिन वर्क्स एज कार्डियक टोनिक. ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजिटॉक्सिन is going to work as a cardiac tonic. Tonic matlab it improves the health of heart muscles, health of cardiac muscles. आपके यहां जो heart है उसमें जो cardiac muscles है उसकी हेल्थ को इंप्रूव करने का काम करता है डिजिटॉक्सिन, बट इट शुड बी इन स्मॉल अमाउंट. ठीक है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डिजिटॉक्सिन वर्क्स एज कार्डियक टॉनिक बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी और द हेल्थ ऑफ कार्डियक मसल्स. ठीक है, बल्कि हायर अमाउंट्स ऑफ डिजिटॉक्सिन is fatal. अगर आप ज्यादा अमाउंट में इसे लोगे सो दिस इज गोइंग टू बी फैटल, जानलेवा. ठीक है, सो डिजिटॉक्सिन इज अ क्रिस्टलीन प्योर कार्डियक ग्लाइकोसाइड, इट्स अगेन अ ड्राइव लिपिड ऑब्टेन फ्रॉम अ फॉक्स ग्रो प्लांट. मतलब ये भी क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम अ प्लांट फाइटो लिपिड हो गया. ठीक है, फॉक्स ग्रो प्लांट. Okay, small amounts of digitoxin is good because it would work as a cardiac tonic, okay, improving the health of the cardiac muscles. ठीक है, but अगर higher amount में आपने ले लिया so this is going to be fatal, आपका heart काम करना बंद हो जाएगा and you'll be dead. ठीक है, समझ में आ गया? So digitoxins हो गए. ठीक है, अब मैं एक और बात बताता हूं आपको. Okay, put it down, we'll talk about it. So, अपन ने स्टार्ट किया था एक टर्म से टर्पीन्स. आई मेंशन्ड टर्पीन्स. टर्पीन्स का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोलना भूल गया एंड इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. टर्पीन्स को अगर कैनबिनॉइड्स के साथ यूज किया जाए okay, if terpenes are used along with cannabinoids, okay, तो ये क्या करते हैं? It increases the effect of the cannabinoid. मैं लिख देता हूं, terpenes को अगर cannabinoids के साथ use किया जाता है so it increases the therapeutic effect.
ऑफ द ड्रग, जो ड्रग की हीलिंग एबिलिटी है, ओके, आपकी बॉडी में जाने के बाद जो ड्रग की हीलिंग एबिलिटी है वो हीलिंग एबिलिटी को बढ़ा देगा कौन? टर्पीन, ठीक है। कैनबिनॉइड्स क्या है? ड्रग्स है, ठीक है। तो अगर आप कैनबिनॉइड्स को टर्पीन के साथ लोगे तो क्या करेगा वो? टर्पीन क्या करेगा? सो टर्पीन इंक्रीजेस द थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग, ठीक है। दिस फिनोमिना और दिस इफेक्ट इज नोन एज एंटोरेज इफेक्ट, इसे क्या कहा जाता है? दिस इज नोन एज एंटोरेज इफेक्ट, दिस इज नोन एज एंटोरेज इफेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया। सो एंटोरेज इफेक्ट क्या है? जब आप ड्रग्स को टर्पीन्स के साथ लोगे तो टर्पीन्स क्या करेंगे? उस ड्रग का जो थेरोपेटिक इफेक्ट है बॉडी के ऊपर, जो हीलिंग इफेक्ट है, हीलिंग इफेक्ट जो है, उस हीलिंग इफेक्ट को क्या कर देगा? टर्पीन बढ़ा देगा, ठीक है। दिस इज नोन एज द एंटोरेज इफेक्ट, इसे कहा जाता है एंटोरेज इफेक्ट, ठीक है। सो वी डन विद द लिपिड्स नाउ, वी आर डन विद द लिपिड्स एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड टॉक अबाउट द न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। तो लिपिड वाला जितना भी पोर्शन था मैंने आपको कंपिटेटिव लेवल पे बता दिया, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में अपन न्यूक्लिक एसिड्स की बात करेंगे। आई होप यू आर मेकिंग द नोट्स, ओके, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, यू कीपिंग द ट्रैक ऑफ ऑल द लेक्चर्स, जो मैं बोल रहा हूँ लेक्चर में, जो भी टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी सी छोटी डिटेलिंग, जो छोटी सी छोटी मैं बात बोल रहा हूँ, आप उसे सुनो, लेक्चर को एक दो बार अच्छे से देखो अगर समझ में नहीं आ रहा है, एंड मेक श्योर कि आप नोट्स बनाओ, ठीक है। अगर मैंने कोई चीज बोली मैंने बोर्ड पे नहीं लिखी है तो मेक श्योर करो आप उस चीज को बोर्ड पे लिख लो, सॉरी आपकी नोटबुक में, आपके नोट्स में लिख लो, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो वी आर डन विद द लिपिड्स नाउ, ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट द न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। सो आई कीप दिस मच फॉर द लेक्चर, ठीक है, चलो बाय बाय।